नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारी को टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दी है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश या डी उत्तराखंड। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। पुरातात्विक अवशेषों का अवलोकन करने सीएम नीतीश कुमार पहुंचे बांका के भदरिया गांव। बांका के अमरपुर प्रखंड के भदरिया गांव में अवशेष राजगीर के समानांतर हैं। हो ना हो जल्द ही यह क्षेत्र बौद्ध सर्किट में भी शामिल हो सकता है। जानकारी के अनुसार यहां मिले अवशेष 2600 वर्ष पुराना है। वहीं इन अवशेषों को देखने और खुदाई स्थल का मुआयना करने सीएम नीतीश कुमार बांका के भदरिया गांव पहुंचे। सीएम अपने निर्धारित समय से कुछ समय पहले ही पहुंच गए। वहीं सीएम के आते ही उन्हें जिला पुलिस बल और होमगार्ड के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। सीएम के साथ में जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी मौजूद थे, जबकि सीएम के आगमन के पूर्व उनके स्वागत के लिए प्रमंडलीय आयुक्त वंदना किनी, जिलाधिकारी सुहर्ष भगत के अलावा कई अधिकारी मौजूद थे। लेकिन ये बिहार के विभिन्न हिस्सों में क्या था? सही बात, और सब कुछ था। तो देख करके जैसे ही ये बात हुई तो मेरे मन में था कि हम जा करके भी देखेंगे। अब कल तो तय था, कल का मौसम खराब था तो नहीं आ सके। फिर हमने कहा आज ठीक होगा तो आज जाएंगे, तो आज आ गए और देख लिया। और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है, और इसके लिए जो नदी का धार वहाँ से है उसके बारे में यह भी बात उजागर करना चाहिए। तो आज तुम आकर के देख लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा है। सर, और ऐसा मत समझिए कि और कुछ काम नहीं, ठीक है, हम आगे भी नहीं। जी 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 सर, आर्कियोलॉजिकली अगर प्रूफ होता है तो और इसका जो पौराणिक इतिहास है तो इस बात को जान लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीजें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो ये देख करके इतनी खुशी होती है, प्रसन्नता होती है कि भले ही लोग, और इसलिए हमने कहा कि जो नदी है ना का धार जो इधर है इसको अगर दूसरे तरफ जो पुराना सबसे ओरिजिनल धार है उसमें अगर डाइवर्ट किया जा सके तो फिर यहाँ पर उसकी खुदाई का अवसर बेहतर हो जाए। थैंक यू, जरूरी जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए, ताकि ये इलाका अगर और ज़्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नज़र रख के कुछ ना कुछ किया जाएगा। जी जी, तो ये बहुत ही सब चीज़ों की जानकारी होगी और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह और ज़्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और फिर यहाँ के गांव के बारे में भी जब बात पूरी जानकारी मिल गई है तो बहुत आप समझ लीजिए जो ऐतिहासिक बात है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहाँ शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध हैं एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर, तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अधिकारी को कानाफूसी करना पड़ा महंगा, उग्र हुए आंदोलनकारियों ने की धक्का मुक्की। भागलपुर विश्वविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले आंदोलन कर रहे छात्र नेताओं से वार्ता के दौरान कानाफूसी करना परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अरुण कुमार, DSW डॉक्टर राम सेवक सिंह सहित प्रोक्टर और अन्य अधिकारी को काफी महंगा पड़ गया। वहीं इस कानाफूसी से नाराज आंदोलन कर रहे छात्रों ने वार्ता करने पहुंचे इन लोगों के साथ जमकर हाथापाई की। नाराज छात्रों ने सभी अधिकारी को बंधक बनाने का प्रयास किया।
वहीं इस दौरान किसी बड़े अनहोनी की आशंका को लेकर यूनिवर्सिटी के ही किसी अधिकारी ने विश्वविद्यालय थाने को इसकी जानकारी दी। जब तक पुलिस आंदोलन स्थल पर पहुंचती तब तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं की मदद से परीक्षा नियंत्रक किसी तरह खुद को बचाते हुए वहां से जा चुके थे, जबकि प्रॉक्टर DSW सहित बाकी बचे अधिकारी छात्रों से ओझल होकर छिपे हुए थे। हालांकि पुलिस के आने के बाद स्थिति पूरी तरह से सामान्य हो गई थी। अभी तुरंत घोषित करेंगे, एक तो हो गया कि डेट अभी तुरंत घोषित कर रहे हैं। 10 मिनट में, 10 मिनट ठीक है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा जो आज होने वाली गणित की परीक्षा थी उसको कल शाम में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसको रद्द कर दिया गया। बाहर से पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं जो दूर दराज से आते हैं परीक्षा देने के लिए, उनका परीक्षा अचानक से रद्द कर दिया गया, जिसके कारण काफ़ी छात्र छात्राओं को आज परेशान होना पड़ा, कॉलेज से ढूंढना पड़ा। तो हम लोग आज यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे क्योंकि विगत कुछ दिन पहले जो पहले परीक्षा हुई थी उसमें गणित का प्रश्न पत्र लीक हुआ था, विश्वविद्यालय की गरिमा धूमिल हुई थी। तो हम लोगों की मांग थी, आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे थे कि आने वाली परीक्षा को भी रद्द कर दिया गया था, इसीलिए आज छात्रों का हुजूम विद्यार्थी परिषद के साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए यहाँ पहुँचा। हम लोग था कि नया तिथि दिया जाए जिस दिन परीक्षा होना है, तो 26, 28 और 31 का नया तिथि मिला हुआ है, जिस पर कई छात्र संतुष्ट भी, हम लोग संतुष्ट हैं, लेकिन अभी आश्वासन मिला है कि इसको हम लोग चाहते हैं कि लिखित दिया जाए। तो एक घंटे में उन्होंने बताया, कंट्रोलर ने, एक घंटे में हम लोग लिख करके इसको आप लोगों को दिया जाएगा। अभी पता, परीक्षा को जब पुनर्जय परीक्षा के आयोजन को लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे थे, क्या हुआ? हम लोग तो वार्ता करके हम लोगों ने आज ही तिथि घोषित कर दी थी, तिथि भी हम लोगों ने कंट्रोलर ने बता दिया कि हम जो स्थगित परीक्षा है 24, 28 और 31 को हम लेंगे। उनकी दूसरी मांग थी कि जो पर्चा लीक होता है उस पर कार्रवाई सुनिश्चित की। हमारे कंट्रोलर ने भी बताया कि जो पर्चा लीक हुई है उसमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, कार्रवाई की जा रही है और इसी वीक उस पर FIR दर्ज होगा। पत्र लीक होता है फिर पुनर्परीक्षा होता है, जांच कमेटी का गठन होता है, कार्रवाई के नाम पर सुन कब तक चलेगा? सर देखिए, पहले तो निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होगी। इस बार हम लोग चूंकि इसमें लगे हुए हैं और हमको नहीं लगता इस सप्ताह में उस पर कार्रवाई, FIR या जो उचित कार्रवाई माननीय कुलपति महोदय के आदेश से निश्चित होगी। वार्ता में जो आप लोग गए हुए थे तो छात्रों की तरह जिस तरह व्यवहार किया गया कैसा उचित नहीं था, तो कहीं ना कहीं इस पर कार्रवाई होगी, और किस प्रकार कार्रवाई होगी बताइए। पहले तो छात्रों का व्यवहार बहुत अच्छा इसका नहीं था, जो हमारे विश्वविद्यालय के छात्र का ऐसा प्रतीक नहीं होता। निश्चित रूप से बाहरी कुछ तत्व है जिस पर हम लोग माननीय कुलपति महोदय के आदेश से निश्चित रूप से संज्ञान लेंगे। भागलपुर में COVID-19 के खतरे को देखते हुए पहली बार राष्ट्रीय लोक अदालत वर्चुअल में हुई शुरुआत। भागलपुर व्यवहार न्यायालय के परिसर में जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे द्वारा ऑनलाइन इसका शुभारंभ किया गया। मौके पर DM प्रणव कुमार सहित कोर्ट के वरीय अधिकारी व कर्मचारी ने भी अपना योगदान दिया। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशों के तहत भागलपुर के कोर्ट परिसर में बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत का पहली बार आयोजन किया गया, जिसके लिए कुल 10 बेंच बनाए गए थे, जिसमें भागलपुर सदर के लिए 6, नौगछिया के लिए 3 और कहलगांव के लिए 1 बेंच का गठन किया गया था। और वहीं इस बेंच के तहत अधिकतर वादों के विवादों का ऑनलाइन निपटारा किया गया। आज हम लोगों का वर्चुअल सिस्टम से ये पहली बार नेशनल लोक अदालत माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार होना सुनिश्चित किया गया है, जिसमें एक नए सिस्टम से एक NGO है सामा, उसकी हेल्प लेकर के हम लोग इसको ई लोक अदालत, ई नेशनल लोक अदालत के नाम से इसको करना है, जिसमें से पार्टीज को नोटिस किया गया है विभिन्न माध्यम से, उनके टेलीफोन नंबर से उनको संपर्क करने की कोशिश की गई है और हम लोगों ने प्री सेटिंग भी किया है इसमें उनके साथ में, जिसमें से कि है हम लोगों ने अधिक से अधिक केसों का सफलतापूर्वक, उम्मीद है मुझे कि बहुत इसमें निपटारा होगा और इसमें पक्षकारों को तकलीफ भी नहीं होगी, यहाँ आना भी नहीं है व्यक्तिगत रूप से, और जो वो अपने घर पे या अपने ओनले में किसी की हेल्प लेकर के जुड़ जाएंगे, सामा उनको जोड़ेगी और जो यहाँ बेंच होगी उसका डिस्पोजल किया जाएगा उसके हिसाब से। इसमें बैंक के मामले हैं, क्लेम केसेस हैं, इंश्योरेंस के, बैंक के और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, बिजली विभाग के,
तमाम विभागों से संबंधित मामले कंपाउंडेबल क्रिमिनल केसेस हैं, ये सभी का निपटारा इसमें किया जाएगा। जी मैम, जी मैम। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशों के आलोक में राज्य बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ई लोक अदालत, ऑनलाइन लोक अदालत, राष्ट्रीय लोक अदालत का ये पहली बार आयोजन किया है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि 1 से 11 के बीच जितने भी केसेस हम लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पर सामा के डाला है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, MSET के केसेस हो, बैंक इंश्योरेंस के मामले हैं, सारे मामलों को हम लोगों ने प्री काउंसलिंग के माध्यम से निपटाने की कोशिश की है। जितने मामले ऑनलाइन हम लोगों ने निपटाया है उनके भी पंचायत हम लोगों ने बना लिए हैं। आज वो वर्चुअल लोक अदालत का लास्ट डे है, फाइनल डे है नेशनल लोक अदालत का। इसके लिए हम लोगों ने जो डिस्पोजल बेंचेस बनाए हैं वो भागलपुर के लिए, भागलपुर सदर के लिए हम लोगों ने 6 बेंचों का गठन किया है, नवगछिया के लिए 3 और कहलगांव के लिए 1 बेंच का गठन किया गया है। इस तरह से कुल 10 बेंच हमारे पूरे ज़िले में ई नेशनल लोक अदालत, ऑनलाइन राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए काम कर रही है। और हम लोगों का यही टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी डिस्प्यूट्स हैं, वादों का, हम लोग अधिक से अधिक निपटारा ऑनलाइन माध्यम से इस बार नेशनल लोक अदालत के माध्यम से कर सकें, इसी के लिए इस प्रोग्राम का आयोजन। अपना परिचय दें। मैं रूपा कुमारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर की सचिव की हैसियत से। नवगछिया धरना कार्यक्रम को सफल बनाने को लेकर जनाधिकार पार्टी ने की बैठक। रगरा चौक प्रखंड के जनाधिकार पार्टी के बैनर तले 3 किसान कानून के विरोध में 16 दिसंबर को भागलपुर में होने वाले अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पार्टी के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एक बैठक रंगरा के कुमारपुर गाँव में आयोजित किया। वही बैठक में जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता नीरज कुमार, जिला उपाध्यक्ष विकास कुमार, जिला महासचिव अजीत कुमार सहित कई अन्य उपस्थित थे। नवगछिया पेट्रोल पंप पर एक ट्रक से चोरों ने उड़ाए 30,000 रुपए और एक मोबाइल। नवगछिया थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित कामख्या पेट्रोल पंप पर ट्रक एसोसिएशन के प्रवक्ता गोपालपुर के डिमा निवासी बबलू मंडल के ट्रक से अज्ञात चोरों ने 30,000 रुपए और एक मोबाइल चुरा लिया है। मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने मामले की छानबीन की है और CCTV फुटेज को भी खंगाला है। CCTV फुटेज में चोरी की पूरी घटना कैद हो गई है। देर शाम ट्रक को लेकर बांका के अमरपुर निवासी चालक राजाराम ईंधन लेने के लिए पेट्रोल पंप पर पहुंचा था। ईंधन लेने के दौरान वह पंप के ऑफिस में चला गया और ट्रक से खलासी भी उतरकर चालक के पीछे पीछे ही चला गया। इस बीच पेट्रोल पंप पर एक ऑटो से लाल रंग का टी शर्ट पहने एक युवक पेट्रोल पंप परिसर में उतरा व सीधा ट्रक के पास गया। उसने पहले ट्रक की खिड़की से तांग झांक किया और दरवाजा खोलकर सीधा बैग लेकर वहां से निकल गया। देर रात नवगछिया थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी। नवगछिया के SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि CCTV फुटेज के माध्यम से रकम चुराने वाले व्यक्ति की पहचान की जा रही है, जल्द ही पुलिस कार्रवाई करेगी। ढोलबजा TNB कॉलेज के छात्र छात्राओं ने गरुड़ के प्रजनन स्थल को देखा। शनिवार को TNB कॉलेज के छात्र छात्राओं ने कदवा पहुंचकर वहां के गरुड़ प्रजनन स्थली को देखा, जहां छात्रा स्वाति कुमारी, NCC पायल कुमारी, कौशल कुमार, राकेश कुमार उड़ीसा से आए, BNHM सुब्रत देवदत्ता ने, गंगा प्रहरी आर्यन कुमार, गरुड़ सेवियर त्रिदेव कुमार, संतोष कुमार व फॉरेस्ट गार्ड अजीत कुमार के सहयोग से मध्य विद्यालय खैरपुर कदवा, गंगानगर, कासिमपुर व बगरी टोला जाकर दूरबीन कैमरा के माध्यम से पक्षी गरुड़ का अवलोकन किया। नवगछिया राष्ट्रीय लोक अदालत में 10 मामले का हुआ निष्पादन। विधिक सेवा प्राधिकार बिहार पटना के तत्वाधान में नवगछिया व्यवहार न्यायालय में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में तुला एवं समझौते के आधार पर कुल 10 मामले का निष्पादन किया गया। निष्पादित मामले में 9 सुलहनीय आपराधिक मामले एवं 1 मोटर दुर्घटना के मामले शामिल हैं। मोटर दुर्घटना मामले का सेटलमेंट 5,50,000 रुपए में किया गया। मामले के निष्पादन को लेकर नवगछिया राष्ट्रीय लोक अदालत में 3 बेंच बनाए गए थे। गोपालपुर के कालूचक में 24 पहर भक्ति सम्मेलन आयोजित। कालूचक में 24 प्रहर भक्ति सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में विधायक नरेंद्र कुमार नीरज गोपाल मंडल शामिल हुए। वहीं मौके पर मुखिया खगेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य सुशील गुप्ता, राज कपूर यादव सहित कई अन्य उपस्थित थे। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान,
काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयां उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें। विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9303-67-170। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नवगछिया इस्माइलपुर के जयमंगल टोला से एक ट्रक से 835 लीटर शराब बरामद। इस्माइलपुर थाना क्षेत्र के जयमंगल टोला में पुलिस द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में पुलिस ने 833 लीटर विदेशी शराब बरामद किया है। हालांकि पुलिस की इस कार्रवाई के दौरान शराब कारोबारी मौके से भागने में सफल रहा। भारी मात्रा में शराब बरामद होने के बाद पुलिस ने दो स्थानीय लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी मिली है कि पूछताछ के दौरान शराब के कारोबार में दोनों व्यक्ति की संलिप्तता सिद्ध नहीं हो पा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी एक ट्रक में शराब का एक बड़ा खेप जयमंगल टोला आया है। इस्माइलपुर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष मनी पासवान के नेतृत्व में जयमंगल टोला के ग्रामीण रोड से पश्चिम खड़े ट्रक की जब तलाशी ली तो 80 कार्टून में सील बंद कुल 2223 बोतल विदेशी शराब बरामद किया गया है। नवगछिया उपकारा में कारा दिवस पर हुए कई तरह के आयोजन। नवगछिया उपकारा में 12 दिसंबर को कारा दिवस के अवसर पर विभिन्न तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सुबह प्रभात फेरी, बंदियों के बीच वॉलीबॉल मैच का आयोजन, क्रिकेट मैच का आयोजन और संध्या में भजन कीर्तन का आयोजन हर्षोल्लास के साथ किया गया। वॉलीबॉल एवं क्रिकेट मैच के विजेता व उप विजेता टीम को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ओम प्रकाश शांति भूषण, कारा चिकित्सक डॉक्टर शशि भूषण, प्रोबेशन पदाधिकारी नम्रतारोही, लिपिक सह प्रभारी उपाधीक्षक राकेश कुमार सोरेन, पैनल अधिवक्ता नंदलाल यादव, सतीश कुमार, कुंजलता सहित कई अन्य मौजूद थे। नवगछिया में मास सिकिंग में 98 लोगों एवं 4 वाहन चालक से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया एसपी स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पुलिस जिले के सभी थाना क्षेत्र में कोरोना के बढ़ते प्रकोप को लेकर सघन मास सिकिंग अभियान चलाया जा रहा है। शनिवार मास सिकिंग अभियान में विभिन्न थाना क्षेत्र के कुल 98 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थल पर गतिविधि करने पर जुर्माना किया गया है। सभी से पुलिस ने कुल 4900 रुपए जुर्माना वसूल किया है। वहीं इस दौरान 4 वाहन चालकों से 3500 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। किसान राजू के हत्या का खुलासा कर कदवा पुलिस ने आरोपी युवक को भेजा जेल। घरेलू विवाद में ही पोते ने धारदार हथियार से दादा की कर दी थी हत्या। ढोलबज्जा के कदवा में बीते 16 नवंबर को धारदार हथियार से की गई वृद्ध किसान राजू राय हत्यारों को आखिरकार कदवा पुलिस ने 26 दिन बाद खुलासा कर ही दिया। घटना के बाद पुलिस लगातार छानबीन कर मामले को उद्भेदन करने में लगी थी। कदवा पुलिस ने बताया कि घटना के एक दिन बाद मृतक के छोटे बेटे ज्ञानचंद कुमार राय ने अज्ञात के खिलाफ कदवा ओपी थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिस पर पुलिस द्वारा लगातार छानबीन के दौरान जब मृतक राजू राय के पोता अमित कुमार को गिरफ्त में लेकर गहन पूछताछ की गई, तब जाकर उन्होंने बताया कि घरेलू विवाद में मैंने ही दादा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या में संलिप्त अमित को शनिवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेजने की कार्रवाई कर रही है। नारायणपुर क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बलहा को हराकर चक्रामी बना चैंपियन। नारायणपुर प्रखंड के शिवधारी सुखदेव हाई स्कूल मौजमा गनौल के ग्राउंड में MCC गनौल द्वारा आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले में बलहा को हराकर चक्रामी चैंपियन बन गया। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन।
जीरो माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट, घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9343667170। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।